ये सारे कटिंग देखिए चल गए हैं और फ्लावर भी आने लगे। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी थोड़ी सी, इसमें क्यों पानी ठहरा है। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी अच्छी सी इसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो मैंने इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी वो वाली लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने इसमें दिया है, वही दे रही हूँ। सीवीड का और नीम के का और बनाना पील का भी दे रही हूँ। उसका कैसे रेडी करते हैं ये मैं दिखाती हूँ एक बार। सारे छोटे छोटे इसमें लगी हुई सी सारे देखिए अभी फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो रही है, पूरे भर कर निकल कर आ रहे हैं सारे। वही ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है और धूप भी ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे मुझे ये सब क्लीनिंग वगैरह करनी है यहाँ की, तो थोड़ी थोड़ी सी मैं हटा रही हूँ यहाँ से, एक हटा में जगह शिफ्ट कर लूँगी इन सब की। तो ये सब में मैंने वही जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपसे शेयर किए थे, देखिए ये ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी सी हो गई। बट मैंने छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये देखिए बहुत अच्छी सी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई। बस इतनी सी छोटी सी कटिंग टूट कर गिर गए, तो बस लगाते जाओ बहुत आसान से ईजीली ग्रो होते हैं। बहुत ही अच्छी सी इसकी फ्लावरिंग भी होती है, अभी स्टार्ट हो गए हैं तो भर कर निकल कर आएंगे इसमें, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने कैसे बनाए हैं वो शेयर करती हूँ। और ये बनाना पील से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार क्या किया है, जो बनाना बेचते हैं उनके पास तो बहुत सारी ऐसी लास्ट में बची हुई या सेल नहीं हुई जो दब गए हैं सड़ गए हैं ये सब तो उनके पास रहते ही हैं। अगर एक 10-20 रुपए देंगे तो बहुत सारे उन्होंने दे देंगे। ऐसे ही मैंने 10 रुपए दिए थे, तो देखिए देखिए इतने सारे उन्होंने दे दिए हैं। ये थोड़ी नरम हो गई है, गलने लगी है धीरे धीरे। वैसे तो गाय वगैरह को खाने के लिए देते थे और या तो बकरी वगैरह खा लेते हैं, या फार्म करने वाले भी ये सब ले जाते हैं जो बकरी के करते हैं वो सब। तो ये देखिए किस तरह से मैं इन्हें पानी में ले लिया है। एक थोड़ी सी बकेट 20 लीटर की है, उसमें मैंने थोड़ी सी ले ली है, मैं इसमें और पानी डालूंगी बाद में। और ये देखिए पानी में मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ इन्हें सबको, अच्छे से मैश कर सबको, सब बनाना और बनाना पील को, क्योंकि काफ़ी नरम है ये, बहुत ही नरम है, सख्त नहीं है। ऊपर का छिलका भी बहुत ही नरम सी है, ज़्यादा पके हुए रहते हैं ना तो बहुत नरम रहते हैं वो। देखिए इस तरह से मैं सारे को मैश कर रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए हम लोग जो हैं मैं ऐसे सबको मिला कर रख रही हूँ। सभी को ना मैश कर पानी में डुबो के हमें रखना है। मैंने बहुत सारे लिए हैं, वैसे अंदाज़ा नहीं है इतने पानी के लिए इतना ही बनाना डालना है या ऐसे नहीं है। पानी में बस भीगना है, गाढ़ा बने या पतला बने इसे बाद में हम यूटिलाइज़ कर लेंगे पानी में मिलाकर। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी सी गुड़ इसमें डाल दी, थोड़ी सी गुड़ डाली और थोड़ी सी मिट्टी में डाल रही हूँ इसमें। मैं मिट्टी इसलिए डाल रही हूँ तो ये कंपोस्ट का इसमें जो गलने में ना बहुत जल्दी सी ये प्रोसेस को फास्ट कर देता है, तो बस इसे थोड़ी सी मैं मिला रही हूँ। मिट्टी डालने से कलर जो है काला हो गया है, नहीं तो 2 दिन के बाद ये काला होता है। तो बस देखिए इस तरह से मिलानी है मिट्टी और गुड़ डालने से इसकी फर्टिलाइज़र की जो क्वालिटी है थोड़ी सी रिच बन जाती है। तो बस इस तरह से मिलानी है, मिलाकर ढककर मैं इसे रख देती हूँ। देखिए और थोड़ी सी मैं इसमें पानी वगैरह मिला रही हूँ, थोड़ी और आधे तक भर कर मिलाकर मैं इसे ढककर रख देती हूँ। इस तरह से छाँव में रखिएगा, धूप में मत रखिएगा, थोड़ी सी ढककर, कोई पतला वसा ऐसा मत करिएगा, एयर पूरा टाइट कर उसमें हवा भी ना जाए ऐसे मत बांध कर रखिएगा। और दूसरा वाला फर्टिलाइज़र बनाना मैं बता रही हूँ, ये देखिए मैंने डबल लिया है, होल नहीं है और साफ़ सुथरा है, पानी भी नहीं है बिल्कुल। यही बनाना को जो है मैंने देखिए इस तरह से इस पर मैश कर डाल रही हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र बनानी है ना ये वाली, ये भी सेम काम करती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है हम स्टोर करने की बदबू नहीं आती है, बहुत साल तक इसे स्टोर कर सकते हैं। और इसकी लास्ट ईयर जो मैंने बनाई थी उसका भी मैं इसी वीडियो में दिखाती हूँ मैं आपको,
तो देखिए इस तरह से मैंने उन्हीं के यहाँ से ये सब लेकर आई थी, बहुत सारे दिए थे उन्होंने मुझे। देखिए इस तरह से सभी को मैश कर रही हूँ, बस थोड़ी सी मैश हो जाए, ऐसे नहीं है कि पूरे पूरे पतली सी पेस्ट बनाकर, सॉफ्ट पेस्ट बनाकर डालनी है, वैसा नहीं है, अच्छे से उसे हमें मैश करनी है बस, क्योंकि वो मिलाने में ना ऐसे ही आसान हो जाए, ऐसे ही हम डालने से थोड़ी बहुत हमें मैश करनी है, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन मैश कर सकते हैं या तो इस तरह कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी मोटे मोटे से ही मैश कर रही हूँ। तो ये सब मैं डाल रही हूँ इसी में। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स, जितने भी बचे थे सारे मैंने इकट्ठा डाल दिए, देखिए बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं मैश कर लेती हूँ। ये सब अभी हमें प्लांट में ना समर में देने के लिए अच्छी फर्टिलाइज़र होती है, क्योंकि ज़्यादा धूप रहती है और फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने से वो गर्मी से पौधों को जो है नुकसान हो सकती है। तो इस तरह से हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सी ये काम करेगी और पौधे में जो है फ्लावरिंग करने की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी सी हेल्प भी करेगी। और ये देखिए गुड़ मैंने डाल दिया, गुड़ भी मैंने अंदाजे से लिया है, गुड़ में थोड़ी सी एंट्स हो गए यहीं पर रखा, सुबह मिलाकर मैंने रख दिए थे, तो इन सबको मैं मिला रही हूँ अच्छे से। देखिए इस तरह से अच्छे से मिला रहे हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं मिला है इसमें, पानी को टच भी नहीं किया है, पानी डालने से इसके जो है बदबू आने लगती है, बस इसी कारण इसे देखिए इस तरह से बंद बंद कर कर रख देते हैं इसे, ये साल भर चलती रहती है, आपको साल भर कभी भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब ये बनता है तो बहुत अच्छी इसमें खुशबू निकलती है, ना बैड स्मेल रहती है ना कुछ। इसका और एक जो बनाई हुई है वो मैं दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये एक हफ्ते के बाद है जो मैंने बनाई थी, इसमें मिट्टी इसलिए डाली थी जल्दी सी गल जाए, और ये देखिए गल जाए और बहुत अच्छी सी कंपोस्ट होती जाए। और ये गुड़ और बनाना जो मैंने काफ़ी दिन पहले, महीने हो गए इसके, बस महीने हो गए शायद, ये भी मैं आज लाई हूँ, एक्चुअली ये गिर गया हवा से, गिर कर देखिए टूट गया ऊपर की ये मेरी ढक्कन, तो इसको मैं अभी यहीं रख रही हूँ, थोड़ी बहुत मैं ये सब भी डाल रही हूँ। और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है पानी में हम बस थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी मिक्स कर हम अपने पौधों में देते जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी सी पौधों में ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग वगैरह करने लगती है, बहुत अच्छे से करने लगती है। तो मैं यही वाला फर्टिलाइज़र जो है सभी में दे रही हूँ, तो ये सब देने के बाद अच्छी सी ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावरिंग भी आ रही है, बहुत अच्छी सी इसकी लीव्स भी, पत्तियाँ भी आ रही है, देखिए सारे इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी सी, ये लास्ट ईयर के पौधे हैं, ये भी अच्छी सी लग रही है, और कुछ कटिंग्स भी मैंने लगाई थी तो ये भी सारे चल रहे हैं। तो अभी बहुत तेज़ धूप ने थोड़ा सा फ्लावरिंग मेरे यहाँ कम कर देता है, क्योंकि बहुत टेम्परेचर रहता है, अभी 39 वगैरह चल रही है, कुछ ही दिन में 40 के अब हो जाएंगे, और 46, 47, 48 तक भी कभी कभी हो जाता है, तो फ्लावरिंग थोड़ी सी ये रुक देता है, क्योंकि ज़्यादा धूप होने के कारण ना पत्तियाँ वगैरह इस तरह से देखिए ऐसे जलने लगती है, तो रुका देता है। तो इस तरह से मेरे सारे पौधों की ग्रोथ हो रही है।